स्टूडेंट्स, आज है हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिक्स क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमने क्या करना है, फाइंड रियल नंबर्स x, y और z के लिए वैल्यू मालूम करने हैं। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जो सब आपको नजर आ रहा है पूरा पूरा, वो क्या है, एक हर्मेटियन मैट्रिक्स है। अच्छा, तो हर्मेटियन मैट्रिक्स का क्या मतलब है? हर्मेटियन मैट्रिक्स का मतलब ये है जनाब, अगर आप ना हर्मेटियन मैट्रिक्स का मतलब ये, अगर आप इस मैट्रिक्स का कंजुगेट ले ले और उसको क्या ले ले, ट्रांसपोज ले ले, तो किसके बराबर आ जाए, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, हर्मेटियन मैट्रिक्स। बात समझ में आया, हर्मेटियन मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अगर किसी मैट्रिक्स का आप क्या ले ले, कंजुगेट ले ले और उस कंजुगेट का क्या ले ले, ट्रांसपोज ले ले, तो वही मैट्रिक्स आ जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हर्मेटियन। ये कंडीशन गिवन है। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप यहाँ पे देखे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अच्छा इसका कंजुगेट लेना है। देखिए ये पूरा मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा इस तरह, मैट्रिक्स क्या, मुझे जल्दी जल्दी से बताए कि 3 - 2 - 0 - 1 - z - y - 1 - x - 1 - 1। देखो अब इसका पहले हम क्या लेंगे भाई, इसका पहले हम लेंगे कंजुगेट, जो कि ये कंडीशन जो कि किसके बराबर है, और आर किसके बराबर है, a, a के बराबर। a क्या है हमारे पास, a वही लिखना है सेल, ठीक है, 3 x + 2 - y - 1, ठीक है, 3 - 2 - 0 - 1 - z - y - 1 - x - 1। अब देखो ये तो सही है, हमने जस्ट अभी इस पर कोई काम नहीं किया, दोबारा इस कंडीशन फॉर्म में रखा है, ट्रांसपोज हम बाद में लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, कंजुगेट। अब कंजुगेट यार हमने ये तो सुना था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे कि 2 + 3 - i, इसको हम कंजुगेट लेते हैं, तो हमें पता है कि आयोटा के साथ जो साइन होता है वो हम क्या करते हैं, 2 - 3 - i, कंजुगेट खत्म हो गया। इसी तरह आप तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी मैट्रिक्स के ऊपर अगर कंजुगेट हो तो हम क्या करेंगे, तो आपको मैट्रिक्स में जहां जहां आपको आयोटा नजर आएंगे ना, वहां वहां की साइन आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जहां जहां आपको आयोटा नजर आए वहां वहां की साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका कंजुगेट फॉर्म यहां पे लिख रहा हूं, कहां पे, इधर 3, ठीक है, इसका क्या होगा, x - 2 - i, यहां पे -y - 3 + 2 - i, 0 - z - y - 1 - x - 1 - 1 - 1। देखो मैंने आपको बोला है आयोटा के साथ वाले, बाकी कॉन्स्टेंट नंबर का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो इसके ऊपर से हमने क्या ले लिया, इसका कंजुगेट ले लिया। अब हम इसको क्या लेंगे भाई, ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन कंडीशन याद है ये किसके बराबर है, या हमारे पास ए के बराबर है, साथ साथ में हम लिखते आएंगे, ठीक है, 3 - 2 - i, ठीक है, y - i, अच्छा x + 2 - 0 - 1 - x - y - 1 - z - y - 1, ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है, ठीक हो गया। अब ट्रांसपोज लेंगे इसका, ठीक है, ट्रांसपोज ले ले, जिस ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, हाँ, इस रो को कॉलम के अंदर और कॉलम को रो के अंदर। अब इसको मैं किस में चेंज कर रहा हूं, इधर गौर से देखिएगा, ठीक है, यहां पे मैं कर रहा हूं, अब ये 3 x - 2 - i, हाँ, इस रो को कॉलम, नहीं नहीं ये तो मैं एज ए एज ए लिखते हुए आ रहा हूँ। देखो ये कंडीशन, मैं इस कंडीशन को प्रूव करने जा रहा हूँ,
ये हर्मेट, इन्होंने कंडीशन बोला था कि हमारे पास जो है ना ए जो है ना जो मैट्रिक्स है वो हर्मेटियन है, हर्मेटियन मैट्रिक्स का मतलब ये है इसका कंजुगेट और ट्रांसपोज बराबर है एक है, तो हम इसी कंडीशन को ए को हम साथ साथ में आप लिखते हुए लेके आए, अब समझ में आया, ए साथ साथ में लिख रहे जो काम हो रहे वो इसी साइड पे हो रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड पे काम हो रहे हैं। अच्छा ये यहाँ पे हाँ हम कर रहे थे ना, तो माइनस वाई आएगा, ठीक है भाई, अब ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, थ्री प्लस टू आई होता माइनस, अब यहाँ पे हमने क्या लिया भाई ट्रांसपोज कंडीशन के मुताबिक ये किसके बराबर है, हर्मिटियन मैट्रिक्स जब बोला है तो ये इसके बराबर है, थ्री एच प्लस टू आयोटा वाई आयोटा थ्री माइनस टू आयोटा जीरो वन प्लस जेड आयोटा वाई आयोटा वन माइनस एक्स आयोटा माइनस वन, ठीक है भाई। मालूम हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम हमने क्या करना है भाई, यहाँ पे हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास जो एक्स वाई जेड है उसकी क्या वैल्यू है, तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर कैसे करेंगे, थ्री प्लस टू आयोटा एक्स प्लस टू आयोटा इसको कंपेयर करो तो एक्स की वैल्यू निकल आएंगी, थ्री प्लस टू आयोटा किसके बराबर है, क्योंकि देखो कंपेयर में फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है इसके फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के बराबर आप कंसिडर करेंगे, ये होता है कंपेयर करना, तो एक्स प्लस टू आयोटा, आई बात समझ में, कोई क्वेश्चन है कहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर तो ये तो सामने मौजूद है ना वाला एक एलिमेंट है, नहीं ये पूरा पूरा एलिमेंट है, ठीक है तो यहां से अगर आप देखें टू आयोटा और टू आयोटा कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं यहां से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी थ्री, तो एक वैल्यू निकल आ गई, ये हमारा मेन मकसद था। अब वाई और जेड की कोई देखो यहां से वाई निकल आ सकते हैं देखो, ठीक है सेकेंड देखे आप कंपेयर में तो माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस वाई आयोटा, ठीक है कि नहीं, यहां से आयोटा और आयोटा कैंसिल, मैं इस माइनस वाले आयोटा को इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा ये प्लस में जाएगा, वाई प्लस वाई नहीं होगा ऐसा ही होगा ना, तो जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे दोनों वाई प्लस हो के टू वाई बन गया है ना, इस कॉन्स्टेंट नंबर को दूसरे साइड पे भेजो तो जीरो के जीरो होगा ना, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा बात, तो वाई की वैल्यू जीरो आ गई। अब यहां से किसकी वैल्यू मालूम करनी है, जेड, इसमें जेड नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी जेड नहीं है, इसमें इसमें जेड है, ठीक है इसमें हमारे पास क्या है जेड, तो यहाँ पर हम जेड को कंपेयर करेंगे, ठीक है वन प्लस एक्स आयोटा इज इक्वल टू वन प्लस जेड आयोटा, वन से वन यहां से चला गया है ना, तो बचा क्या एक्स आयोटा इज इक्वल टू जेड आयोटा, हाँ आयोटा आयोटा चला गया, एक्स की वैल्यू क्या है थ्री, तो जेड की वैल्यू क्या आई, जेड की वैल्यू क्या आई थ्री, ठीक है डियर फ्रेंड्स इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी देखो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पर आखिरी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ले, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको कराया पेपर के लिए, इसकी आप तैयारी कीजिए, आप एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कर